ये बड़ी खूबसूरत हमारी सिंध की टोपी होती है, इसको थोड़ा आगे तो करें, ये आपके बाल नजर आ रहे हैं मेहराब की जगह, ये मेहराब है सिंध की टोपी में, ये मेहराब कहलाता है। मुझे बहुत पसंद है सिंधी टोपी। सिंधी टोपी में क्यों होता है मेहराब? सजदा करने के लिए, नमाज के लिए। सजदा करने? नहीं नहीं नहीं, वो तो इसीलिए होता है। सिंध में जब इस्लाम, आजम जी बात करें, सिंध में जब इस्लाम फैला था ना, मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, इस्लाम तो खैर मैं इस बात से इनकार करता हूँ, इस्लाम तो हज़रत उस्मान के ज़माने से यहाँ आ गया था। अब लोगों को चूँकि पता ही नहीं है, तो हज़रत उस्मान ने सबसे पहले अपने ज़माने में भेजा था सिंध में लोगों, और उनको इतला मिली थी कि यहाँ पर कुछ परेशानी है, तो उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने आके बताया था कि यहाँ दीन से बड़ी रग़बत रखने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर आगे का वाक़िया बड़ा इख्तलाफी है, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन ये जो मेहराब, अभी भी आपको आगे करें थोड़े, आपके बाल नज़र नहीं आने चाहिए। मैं सही करता हूँ जी। अब ये जो मेहराब है, ये एक्चुअली इसलिए होती है कि हमारे सिंध के जो लोग हैं, सिंध के रहने वाले लोग, वो ये बताते हैं कि हमें दीन से मोहब्बत है, हमें इस्लाम से मोहब्बत है, हमारे माथे पर मेहराब है, हम मुसलमान हैं। ये टोपी शनाख्त है इस्लाम की। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो अभी सिंधी मुझसे पूछते नहीं है सही तरह, सिंधी टोपी अजरक वारा डियन, ओ भाई सिंधी टोपी जान है इस्लाम की, जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजरक का क्या मतलब है, सिंधी अजरक का क्या मतलब है बताएं? सर आप जानते हो, मुझे नहीं मालूम। सिंधी अजरक में जो नक्शो निगार होते हैं, वो नक्शो निगार का मतलब ये है कि हम उस इलाके और उस खत्ते के रहने वाले हैं जहाँ हर फूल, हर रंग, हर चीज़ मिलकर रहते हैं, हम जुदा नहीं रहते, अजरक इसलिए कहते हैं।